स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद ना आपका एक क्वेश्चन आया था कि कैसे हम एक टाइम को मैनेज करें, या फिर कौन सा टाइम है जो आपकी लर्निंग के लिए इफेक्टिव टाइम हो सकता है ना। तो चलो, इस क्वेश्चन के अलावा क्या किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन है? यस सर, हैंड रेस करेंगे। ओके, हाँ सर, गुण खड़ी हो जाओ, ये लो माइक लो। हाँ हाँ है मेरे पास, दो है, पैसा खर्चा किया है भाई। हाँ सर, हाउ टू फाइंड द बेस्ट टाइम टू स्टडी फॉर मी? तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम, मुझे लगता है कि किसी टाइम में तुम पढ़ती होगी। चलो बट चलो मैं मैनेज करता हूँ, कुछ तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? और कोई क्वेश्चन इनके लिए बेस्ट टाइम में बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन? साहिल, माइक पास करो जरा साहिल को। हाँ साहिल सर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग अर्ली इन मॉर्निंग? अर्ली इन मॉर्निंग कितने बजे जगते हो सुबह? 7 बजे जगते हो, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ। स्कूल क्या टाइमिंग क्या है वैसे तुम्हारे? 7:30। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 7 बजे जगते हैं, 7:30 का टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग का। चलो मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन इफेक्टिव टाइम से रिलेटेड? ओके ओजस, माइक प्लीज पास करो। यस ओजस। सो शुड आई स्टडी एट नाइट और ड्यूरिंग द डे? वैसे ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है, जब मन होता है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि कुछ मॉर्निंग लर्नर्स होते हैं, कुछ आफ्टरनून लर्नर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन। वीडियो है वो हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव टाइम फॉर लर्निंग। बच्चों, स्टडी और लर्न करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? लर्न एक ऐसा प्रोसेस है जो आप पूरी लाइफ भर करेंगे, आप कुछ भी नए एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो लर्निंग में आता है, ठीक है? बात आती है कि क्या हम, कौन सा टाइम है जो हम अपने लिए चूज करें जिसमें हम इफेक्टिव स्टडी कर पाए, जिसमें हम चीजों को गेन कर पाए। बात समझ में आई? या कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें हमारा जो माइंड रहता है वो बिल्कुल अटेंटिव रहता है। तो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस किए तो मुझे लगता था मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है कि आपके जो एग्जाम्स आ रही है, जो आपकी जो हॉबी है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट डाले और इससे आप ना अपने आप को क्या कर पाए, सिंक्रनाइज कर पाए या एक सिस्टमैटिक ढंग से अपने आप की स्टडी को टाइम दे पाए, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा टाइम है पर्टिकुलर जिससे आप स्टडी में ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ज्यादा अच्छा गेन कर सकते हैं, या ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ 90% स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि कौन सा टाइम इफेक्टिव है, और 95% की प्रॉब्लम है कि सर कैसे हम सिलेबस कवर करें इतना सारा, है ना? अब तो एग्जाम्स की बारी, 1-2 महीने में आपके बोर्ड्स फाइनल होने वाले हैं, या जो दूसरे क्लासेस हैं उनके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, अभी अभी हाफ ईयरली निकल के गया, ठीक है? तो ये वीडियो आप देख रहे हैं क्योंकि हाफ ईयरली में आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं नहीं, ठीक है? तो आपको लगता है कि चलो एक प्रॉपर टाइम लेकर के हम एक टाइम कैप्सूल चार्ट बनाते हैं और उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इफेक्टिव टाइम में 3 तरह का हमारे पास टाइम है। पहला तो हो गया मॉर्निंग टाइम, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया हमारे पास आफ्टरनून, दोपहर में, और तीसरा हो गया रात में, ठीक है? अब भाई देख, अगर स्कूल जाना है तो सुबह 7 से 2 तो तुम स्कूल में हो, ठीक है? तो मतलब ये इस टाइम की अगर हम बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट आता है सेल्फ स्टडी से, ना कि ये जो तुम अपना स्कूल में दोस्तों के साथ हंसी मजाक में टाइम वेस्ट करते हो या कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता होगा, तो उससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको गाइड करता है कि कैसे किसी भी एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, ठीक है? कैसे कोई कंसेप्ट को किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कोचिंग या स्कूल आपको ये सिखाता है, ठीक है? और स्कूल तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में बात करता है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, ये करो वो करो, है ना? पढ़ाई तो नाम मात्र की, क्लियर कि नहीं क्लियर? तो रिजल्ट कहां से आएगा यार? एक बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कहावत है, एक बार कहावत क्या है, एक स्टेटमेंट है, इंस्टा रील थी, एक बार मेरे सामने आ गई थी तो मुझे वो याद हो गया कि भाई देखो, आधे से ज्यादा जो फाइट होती है ना, जो आधे से ज्यादा फाइट होती है, या मैं कहता हूं युद्ध होते हैं, लड़ाइयां जो होती हैं, वो प्रैक्टिस में, जो अभ्यास होता है ना, प्रैक्टिस में ही जीत ली जाती हैं, अपनी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, है ना, कैसे हम काम करेंगे, इन सब को एनालाइज करके आधी लड़ाई तो हमने वहीं जीत ली। बाकी जो हम फाइनल जीतते हैं, या फाइनल आप एग्जाम देने जाओगे, लड़ाई को आप अपना एग्जाम समझो, ठीक है? तो फाइनल जब देने जाओगे तो वो सिर्फ एक प्रूफ रह जाएगा कि हाँ तुम इस लायक हो, यस तुम्हारी ये एबिलिटी है। तो जिसका जो जितना लायक होगा, 60% वाला 60 रह जाएगा, 80 वाला 80 रह जाएगा, और 95 वाला 95 आएगा, है ना? लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? उसी प्रैक्टिस पे, अभ्यास पे, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, टाइम कैप्सूल बनाया, हमने बार बार पुश किया अपनी अपनी अपने डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में, है ना? ये चीजें आपको रिजल्ट देंगी।
बच्चों इफेक्टिव लर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग और आफ्टरनून और कुछ होते हैं नाइट आउल्स या कहते हैं रात का समय कहते हैं, ठीक है। तो हम 7 से 2 की बात नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ एक ऐसे बेहतर टाइम की बात करेंगे जो वाकई में साइंस भी मानती है और जो पुराने धर्म है ग्रंथ है उनमें भी ऐसा माना जाता है। एक कहावत के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, एक चौपाई भी है, शायद आपने रामायण का नाम सुना हो तो उसमें चौपाई भी है, ठीक है। तो फिलहाल तो सबको एक टाइम की जरूरत होती है कि किस टाइम में हमारा दिमाग ज्यादा अटेंटिव होता है और किस टाइम पे हम ज्यादा अच्छे से चीजों को स्टडी कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास टाइम होता है मॉर्निंग का, अब 7 बजे के पहले का टाइम है, क्लियर। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आप में से 80% स्टूडेंट्स की नींद खुलती होगी, नहीं नींद खुलती, और अगर खुलती भी है पापा मम्मी जबरदस्ती जगाते भी हैं तो हो सकता है कि तुम ऐसे करते रहो, गिरते रहो नींद में, या हो सकता है बोलो कि सोच रहे हैं, अभी होता है कि आंख बंद हो गई पापा ने बोला क्या कर रहे हो, बोले सोच रहे हैं, है ना, तुरंत बोलते हो ना, तुरंत क्विक आपका आंसर निकलता, सोच रहे हैं आंख बंद करके, और आराम से सो रहे होते, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक चार्ट देखते हैं और देखो अगर तुमने फॉलो कर लिया ना तो मुझे लगता है कि तुम ना अपने माइंड को स्टेबल कर पाओगे और एक अच्छा अटेंटिव टाइम चूज कर पाओगे अपने लिए जो तुम्हें स्टडी में इफेक्टिव हो। अभी जो बच्चों ने क्वेश्चन किया, आपने जो वीडियोस देखे वो तो जोक्स पार्ट की, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, कोई 7 बजे जगता है, वो तो सब अलग ही चीजें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उन सिर्फ 3 बच्चों के नहीं है, ये उन जैसे 3 लाख से ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने कैप्सूल की, टाइम कैप्सूल। हो सकता है आपको ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं वो ना दिख रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइट है तो वाइट में शायद ना दिखे। चलो बात करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बच्चों हमारा कि इसमें लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि लर्निंग डू नॉट नीड एनी टाइम। मतलब अगर आपको सीखना है, एक स्टूडेंट था हमारा, एक पीछे पुराना वीडियो भी पड़ा हुआ है, कृष्णा कुशवाहा, उससे जब मैंने बात करी 96% था उसका 12th में, ठीक है, 10th में नहीं 12th में 96% था, हो गया 2018 बैच का था। तो भाई उससे जब मैंने पूछा कि यार तुम किस टाइम पे पढ़ते थे और कितना पढ़ते थे, तो उसने बहुत ही इजीली आंसर दिया कि जब हमारा सर मन करता था तब मैं पढ़ता था, मेरा मन नहीं करता था मैं नहीं पढ़ता था। और कोई जरूरी नहीं कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, हो सकता है किस दिन मैंने 4 घंटे पढ़ा, किस दिन 2 घंटे पढ़ा, है ना। अब लोग सोच रहे होंगे लो मैं तो सर 1 घंटे भी नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। और टाइमिंग की बात अगर जहां तक आई तो उसने यही मुझे बताया कि अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, जब आपका मन करे, इच्छा करे, ठीक है। अगर कोई चीज मन से करते हो, इच्छा से करते हो, तो क्या होता है कि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है इन द कंपैरिजन ऑफ जबरदस्ती जो काम किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो पहला स्टेप तो तुम्हें ये तैयार रखना है कि भाई हमें पढ़ना है तो जब मन करे तब पढ़ना शुरू कर दो। फिर भी अगर लगता है तो हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो एक काम करो, एक अपना दिन सुटेबल कर लो कि आज मुझे एनालाइज करना है कि मेरा जो माइंड है कब अटेंटिव रहता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का माइंड कहता हो सर मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, बिना पढ़ाई के कैसे मैं 95 ला सकता हूं, तो उनके लिए फिर ये वीडियो नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, आप उस दिन 3 सेगमेंट में अपना टाइम डिवाइड कर लो, एक मॉर्निंग डिवाइड कर लो, एक आफ्टरनून डिवाइड कर लो और एक डिवाइड कर लो इवनिंग में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि प्रॉपर कौन सा अच्छा टाइम होता है साइंस के हिसाब से, बट फिलहाल अभी तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग में पढ़ाई की तुमने, दूसरे दिन अपने आप से सेल्फ एवोल्यूशन करो कि क्या तुमको वो तैयार है चीज, क्या वो तुम कंसेप्ट को दोबारा से कर सकते हो। फिर तुमने आफ्टरनून में पढ़ाई की, क्या तुमने कोई नई चीज सीख पाए कि नहीं सीख पाए। फिर दूसरे दिन अपने आप को एनालाइज करो कि क्या वो मैं कंसेप्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और इवनिंग में फिर करो, फिर देखो कि भाई क्या मैं जो कल पढ़ के आया वो मुझे तैयार है कि नहीं तैयार। तो इनमें से कोई एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ यार कल वाली चीज मुझे अभी तक याद है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम होगा। तो तुम्हें पता होगा कि कौन से टाइम वाली चीज याद है, मॉर्निंग वाली तैयार है, आफ्टरनून दोपहर वाली तैयार है, या इवनिंग शाम वाली तैयार है। तो तुम ये देख पाओगे कि कौन सा टाइम ना तुम्हारे माइंड को ज्यादा सूट कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का ना। तो पॉइंट मेरा सेकंड यही था कि फाइंड आउट व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव, और ये फाइंड आउट करने के लिए ये तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा, कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो, है कि नहीं। तो इतना तो तुम कर सकते हो अगर तुम फोकस जो अपने एम के लिए, क्लियर बात कि नहीं क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात। अब जरा समझते हैं कि जो अब यंग जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसको क्या चाहिए, है ना। तो उसके लिए जरा टिप्स सुन लो। तो लिखा हुआ है, हो सकता है आपको ना दिखे, मैं बोल रहा हूं, लिखा है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द ब्रेन इज मोस्ट अलर्ट एंड टीचेबल एट 10 AM to 2 PM।
ठीक है, एंड 4 to 10 मतलब टाइम जरा देख लो क्या दिया हुआ है। टाइम कह रहा है कि पहला तो हो गया हमारे पास कौन सा, पहला हो गया हमारे पास 10 सुबह, 10 से कितना 2 दोपहर तक, और फिर 4 बजे से शाम को लेकर के 10 बजे तक। जो ये दिमाग रहता है सबसे ज्यादा टीचेबल रहता है, मतलब कि अगर तुम्हें कोई नई चीज तैयार करनी है, नई चीज तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, तो तुम इस टाइम का यूज कर सकते हो आजकल के टाइम में, है ना। पहले क्या था, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, और देन स्टडीज अपने पूरे काम करके, अगर शायद सुना हो तो, मतलब सुबह सुबह उठ के पहले मम्मी पापा और गुरुजनों को प्रणाम करते थे, इसके बाद पढ़ाई अपना शिक्षा कर लेते थे, है ना, जब गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन आज का वो टाइम नहीं है भाई, रात में तुम्हें रील्स भी देखना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, पढ़ना भी है साथ में। तो जो तुम्हारा माइंड है आजकल के हिसाब से, जो कि सर्वे किया गया था, ये जो मैं बता रहा हूं ये एक साइट है, उसमें देखना, गूगल में सर्च करोगे, उस साइट में दिया हुआ है कि लगभग 3,000 से 4,000 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया। तो वहां से ये निकल के आया कि जो ब्रेन है वो मोस्टली 10 से 2 PM तक सुबह, और शाम की बात करें तो 4 से 10 बजे तक ज्यादा अटेंटिव, नई चीज लर्निंग के लिए एक्टिव रहता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो क्या सर मॉर्निंग टाइम बेकार है, जो सुबह पापा मम्मी लोग चिल्लाते हैं कि भाई सुबह उठो जगो पढ़ो, तो क्या बेकार टाइम है? नहीं। इसके लिए जरा देखो क्या लिखा है। लिखा है अगर मान लो तुम्हें कुछ ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, फिर से ध्यान सुन लो कि तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक में मुझे ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, ये तुम्हें लगता है कि मॉर्निंग टाइम में तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, कभी कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके लिए ना बेस्ट टाइम जरा सुन लो क्या है। तो बेस्ट टाइम होता है 4 AM to 7 AM। मैं कहता हूं, फिर मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो बेस्ट टाइम की बात होगी ना वो हमेशा से यही रहा है 4 AM to 7 AM। अब देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा दोस्त। अगर तुम्हें लगता है कि मैं 4 बजे नहीं जग पाऊंगा तो तुम ये समझ जाओ कि फिर तुम्हें इन्हीं दोनों टाइम में मैनेज करना पड़ेगा, फिर तुम ज्यादा अटेंटिव अगर अटेंशन चाहते हो तो फिर ये इनमें नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। पता चला तुम बैठ के पढ़ रहे हो, सामने नीचे वाला कोई हॉर्न मार रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई डीजे चला रहा, कुछ भी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हो सकता है फोन ही तुम चला रहे हो। तो सर फोन चलाना होगा तो मैं सुबह 4 से 7 बैठ के चलाऊंगा। हाँ बिल्कुल चलाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की चिंता नहीं है तो चलाओगे और फिर मारे मारे घूमते रहोगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो ये मैंने एक चार्ट तैयार किया था। पहली चीज तो हम सीखे कि हमें कोई एक फिक्स टाइम की जरूरत नहीं है, जब इच्छा हो तब पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अपना एक दिन एनालाइज करो, 3 टाइम में पढ़ाई करो और तीनों टाइम को देखो, फिर उसको अपने आप को क्या करो, एवल्यूट करो कि भाई कौन से समय का हमें ज्यादा तैयार है। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूं कि तुम फिक्स कर लो 10 से 2 के बीच में, अगर तुम्हें कुछ सीखना है करना है, या फिर 4 से 10 के बीच में कुछ सीखना है, तो ये बेटर टाइमिंग होता है, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक्स जरूर लेते रहना है, क्योंकि जब ब्रेक रहता है तो माइंड फ्रेश रहता है। क्लियर बात कि नहीं? क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। और चौथे पॉइंट को मैंने क्या बताया, चौथे पॉइंट को कि अगर तुम्हें ज्यादा भाई अटेंशन चाहिए, है ना, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो तुम दिन में, तो फिर सबसे बेस्ट जो टाइम है, साइंस जो एडवाइस करता है वो है बिटवीन 4 AM to 7 AM। अब 7:30 का स्कूल है, 7 बजे जगते हो तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, इसके लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा ताकि तुम सुबह जल्दी जग पाओ, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो देखो मेरा टाइम कैप्सूल ये था, ठीक है, होपफुली कि इससे आपको ना कुछ रिजल्ट आउटकम मिलेंगे अगर आप इसको एनालाइज करके इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप ना इसको जरूर देखें, ठीक है, आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो किसी ना किसी एक वैलिड साइट से, वैलिड चीजों से निकाल के दिए, ठीक है। इसको अप्लाई करो और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपका अभी जो स्टडी टाइम टेबल है वो क्या है, क्या आप नाइट आउल है या फिर आप मॉर्निंग लर्नर्स हैं या फिर आप दोपहर में चीजों को सीखते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।